बायो के ऐसे चार चैप्टर्स अगर आप इनको कर लेते हो तो आपके नीट एग्जाम में 10 से 25 नंबर ऐसे ही बढ़ जाते हैं। बच्चे मैंने ये ट्रेंड देखा है कि जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है वो बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है, लेकिन क्योंकि उसकी वेटेज कम होती है, सबको ये पता है, तो बच्चे सोचते हैं कि यार इस चैप्टर को छोड़ दो, बाद में कर लेंगे, और इस चक्कर में वो चैप्टर छूट जाता है। एंड आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप जानते हो नीट एग्जाम में आपके लिए एक एक नंबर कितना कीमती है, तो लिविंग वर्ल्ड के शॉर्ट नोट्स अगर आप पहले से ही बना के रख लेते हैं तो आप यहाँ पर आराम से इस चैप्टर के अंदर जो है अपना क्वेश्चंस को कर पाएंगे और अपने मार्क्स को सिक्योर कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत ही आसान चैप्टर है क्योंकि आप इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, ऐसा चैप्टर जो कि आप दूसरी जगह दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है इसको रिवाइज करना और इसको पढ़ के जाना। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसको आप छोड़ के मत आइएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। यार कितना आसान सा चैप्टर है, वहाँ पे आपको कुछ ही चीजों के बारे में पढ़ना है, कुछ मेथड्स पढ़ने हैं, कुछ आर्ट्स के बारे में पढ़ना है, उसके शॉर्ट नोट्स बना के रख लो। अगर आप उसको कर लेते हो तो आप उसके क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे एंड स्टूडेंट्स ये आपके स्कोर्स को इजीली बढ़ा देगा। देन उसके बाद आते हैं हम लास्ट चैप्टर पे जो कि है आपका ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। बहुत ही आसान सा चैप्टर है स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर को भी कर लेते हो तो आप इजीली अपने नीट एग्जाम में ये जो छोटी छोटी रीजंस की वजह से आप चैप्टर्स छोड़ जाते हो ना और अपने मार्क्स को वहां खो देते हो तो वो चीज आपसे चुकेगी नहीं और आप इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इन चैप्टर्स को करना मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ही आसान से चैप्टर्स हैं और इसी से आपके मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं।